AURO यूनिवर्सिटी, और आई यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने ब्राउज़र में google.com ओपन कर दीजिएगा और वहाँ पे टाइप करना होता है आपको AURO यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पेपर, यही टाइप करके आपको सर्च करनी होगी सीधा सीधा। जैसे आप सर्च करते हैं आप ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड नाउ। सो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म आपकी रिलीज़ हो चुकी है, क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के लिए। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उससे पहले लेकिन आपके सामने जो फॉर्म है इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्ट, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सब फिल करनी होती है और गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करना है। इसे कट कर देता हूँ मैं, जब हो जाएगा आपका भी आप भी कट कर दीजिएगा। अब इसे मैं दिखा देता हूँ आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए है अवेलेबल, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स, आपको क्लिक हियर पर क्लिक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आपके लिए। वही गुड न्यूज़ है कि देश के टॉप 4th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें। ओके, तो UPES यूनिवर्सिटी में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, KL यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर लेना होगा, जिस यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर देश के हर एक बच्चे पढ़ने के लिए आते, सिर्फ आसपास के बच्चे नहीं पढ़ने के आते, सिर्फ दूर दूर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते, ताकि यहाँ पर आप जो उनको कोर्स करना है, जो जिसमें भी उनको पढ़ाई करनी है, जिस चीज़ में भी उनको इंटरेस्ट है, यहाँ पर अपना कंप्लीट करें और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, अच्छी सारी चीज़ों के साथ, तो यहाँ पर अपना पूरी कम्प्लीट कर सके कोर्सेज जितने ईयर का होगा। अब आगे चलते हैं जहाँ पर आपकी बात आई एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है 10 फरवरी को ही रिलीज़ किया गया यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए, क्लिक ईयर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब स्क्रॉल डाउन करनी होगी और यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एंटर योर नेम, ईमेल आईडी एंड एंटर योर मोबाइल नंबर, जिस पर अभी तुरंत ओटीपी जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा, अब उसी फ़ोन नंबर पर ओटीपी आने के बाद सेलेक्ट योर स्टेट, सिटी, सेलेक्ट योर प्रोग्राम एप्लीकेशंस और कोर्स सेलेक्ट करनी होती है और यहाँ पर टिक करके आपको अप्लाई करना होता है। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा जब सब कुछ हो जाएगा तो। ठीक है, अब अप्लाई कर देते तो आपको कंग्रेचुलेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके मेल में एक मेल कर दिया जाएगा, मतलब आपको ईमेल में एक मेल कर दिया जाएगा जो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर देंगे। अब वो ओपन करना, तो जब आप ये ओपन करते हैं तो थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ ओरा यूनिवर्सिटी, जो भी आप देख लेते हैं, तो यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी पे क्लिक करनी है और आपका वैलिड ईमेल आईडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आप सीधा सीधा न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर मैंने 12% अभी कम्प्लीट ही किया। आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के फीस भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के फीस है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जहाँ पर मेरा 12% कम्प्लीट हो चुका ऑलरेडी, और यहाँ पर प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर किस चीज़ के लिए मैं करना चाहूँगा यहाँ पर करना चाहता हूँ। ओके, कोर्स बता दूंगा यहाँ पर, जिस कोर्स के लिए भी मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोर्स भी सेलेक्ट कर लिया। अब आता है आगे पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पर मेरे को अपना मिस्टर्स, मेरा नाम क्या है, मिडल नेम, लास्ट नेम, 10th का सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर बतानी होती है आपका, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, ठीक है, आधार कार्ड नंबर देना है आपका, आर यू लुकिंग कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं क्या, यस और नो में आंसर देना, अगर देख रहे तो यस पे करेंगे, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर आपको बताना है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ आपको चाहिए तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना। आर यू डिजेबल फॉर एबल, डिजेबिलिटी एबल हैं आप क्या, आपको कुछ भी दिव्यांग व्यक्ति, शरीर में कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स, बीमारी आपको ऐसी है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। पार्टिसिपेटेड एनी स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल्स में आपने कोई अचीवमेंट किया है, फिर तो यहाँ पर आंसर दे देना होता है। और आपने ओरा यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना है, यहाँ पर हाउ डिड यू गेट अबाउट द ओरा यूनिवर्सिटी, मैंने यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया के थ्रू सुना। और यहाँ पर पेरेंट्स डिटेल दे दूँगा, जहाँ पर फादर का डिटेल बताऊँगा, टाइटल बता दूँगा और पेरेंट्स के नेम बताऊँगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस देना है, जहाँ पर अपना कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड एड्रेस देनी होती है, जहाँ पर पिन कोड नंबर भी होगा। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख जाता है, जहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस के लिए, यस, अगर नए हो हैं तो दूसरा एड्रेस क्या है वो दूसरा एड्रेस दे दीजिएगा। तो मेरा एक ही एड्रेस है, मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल देनी होती है, जहाँ पर आपको 10th क्लास के स्कूल के नेम, बोर्ड का नाम, बहुत सारे बोर्ड हैं यहाँ पर,
ईयर ऑफ पासिंग फॉर एग्जांपल, मार्किंग स्कीम परसेंटेज, और यहाँ पर परसेंटेज 78 इन क्लास टेंथ। अब आपने टेंथ के बाद ट्वेल्थ किया या फिर डिप्लोमा किया या फिर डायरेक्ट यूजी पीजी किया, कोई भी, मैंने ट्वेल्थ किया टेंथ के बाद, मतलब 11, 12 ऐसा, ठीक है, डायरेक्ट ट्वेल्थ नहीं, टेंथ के बाद 11 किया फिर ट्वेल्थ किया। तो ट्वेल्थ में यहाँ पर मेरा स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम देना होता है, और कौन सा स्ट्रीम लिए थे वो बता देने होते हैं, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे आप ट्वेल्थ आपने कौन सा, रिजल्ट स्टेटस बताएंगे डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, मार्किंग स्कीम परसेंटेज में, और यहाँ पर परसेंटेज दे देनी होती है 68, ओके। इंटरेस्ट टेस्ट आपने कभी दिया है तो यहाँ पर आंसर कर दीजिए, नहीं दिया तो नो पे क्लिक कर देना, मेक पेमेंट पे क्लिक करना और यहाँ पर पेमेंट कर देना होता है जो भी आपको सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप समझ गए। तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, जब ये पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपलोड करनी होगी डॉक्यूमेंट्स, आपके फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपके टेंथ के सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट चाहिए, और भी कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, ये रहेगी, ये भी रहता है एक्स्ट्रा, बाकी जो भी अप्लीकेबल है वो करना होगा आपको, और डिक्लेरेशंस में आपको डिक्लेयर होगा और बस सबमिट कर देना है, बस डिक्लेरेशंस देखनी है आपका करेक्ट है तो आपको सबमिट करनी है और बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान में देना। आप आते हैं मेक पेमेंट पे, आपका यहाँ पर जो पेमेंट करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा, पेमेंट कैसे करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट UPI के थ्रू कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे पेमेंट करते हैं, बट आपको एक बात बता दूँ, आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो आपको रिफ़्रेश टैब को रिफ़्रेश नहीं करना है, ठीक है, रिफ़्रेश कर देंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट वो कट जाता है तो पता नहीं चलेगा आपका क्या होगा, तो रिफ़्रेश नहीं करना है यहाँ से भी, जितना टाइम लेता लेने दीजिए, बट आपको अच्छे से पेमेंट कर देना, बट आपको कंप्लीट जब तक नहीं हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको डिक्लेरेशंस करना होता है, डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन दो स्टेप बचा है जिसे आपको पूरा करना होगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।